अस्सलाम वालेकुम गाइस, अस्सलाम वालेकुम प्यारे लोगों, अस्सलाम वालेकुम अच्छी बहनों, अस्सलाम वालेकुम अच्छे भाई। क्या हाल है आप सबका? ठीक है, मेरा सारा प्यार आपके लिए, आपके लिए मेरा सारा प्यार। तो वेलकम है आपका हमारे एक और अदद न्यू ब्लॉग में। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब टिक टिक करके, और लाइक करें, शेयर करें। अपनी मम्मी को भी आप लोग चैनल शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी चैनल शेयर कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, आज का दिन शुरू करते हैं हम अपने प्यारे प्यारे वाले नाश्ते से। आप लोग कमेंट्स में बताएं आप लोग नाश्ते में क्या करते हैं, दाल के साथ रोटी खाते हैं, चिकन के साथ रोटी खाते हैं, या पराठा वगैरह खाते हैं, या क्या चीज नहीं हो तो आपका दिन नहीं गुजरता आपने नाश्ते में। आज मुझे ये बात बतानी है कि नाश्ते में कौन सी चीज हो तो आपका नाश्ता कंप्लीट नहीं है। जैसे कि मेरे नाश्ते में चाय, मैं चाय नहीं पीऊं तो मेरा दर्द, मैं कहती हूँ अरे पूरा दिन ना सिर में ना ऐसे दर्द होता, सर में ऐसे 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 दर्द होता है कि पता नहीं क्या चीज कोई मिस कर दिया, कुछ कर दिया। चलो आज नाश्ता करने। आपको मैं एक और बात शेयर करूँ, मैं अभी उठी हूँ, मैंने दुपट्टा रखा है, व्लॉग बनाने लगी हूँ। मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया, अभी तक मैंने मुंह नहीं धोया, मैंने नमाज पढ़ी थी, फिर मैं थोड़ा सा व्लॉग जो सुबह अपलोड करती हूँ ना पिछला वाला, वो अपलोड किया, एडिट किया उसको थोड़ा सा, और अपना मैं आपसे बात करने लगी हूँ। इतना मैं आपको टाइम देती हूँ और आप मुझे जो है ना कमेंट्स करके बताते ही नहीं है कि प्यारी मरियम ठीक कर रही है, नहीं कर रही, ये कर रही, वो कर रही। मुझे ना एक कमेंट आया, मुझे बहुत प्यारा लगा, तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। उसने कोई बात लिखी हुई थी, मैं आपसे शेयर करती हूँ। बहुत चंचल बहुत खुशनुमा सी होती है बेटियाँ, नाजुक सा दिल रखती हैं, मासूम सी होती हैं बेटियाँ, बात बात पर रोती हैं, नादान सी होती हैं बेटियाँ, वो घर लगता है सुना सुना, जहाँ से रुखसत हो जाती हैं बेटियाँ, जाते जाते कितना रुला जाती हैं बेटियाँ। हाँ ये हम नहीं कहते, ये तो खुदा भी कहता है, जब मैं बहुत खुश होता हूँ तो अता करता हूँ बेटियाँ। माशाल्लाह, प्यारी सी होती हैं, नाजुक सी होती हैं, और सारा काम भी करती हैं, यही प्यारी वाली बेटियाँ। तो अब हम करते हैं नाश्ता, मैंने आटा ये निकाल के रखा है, अब मैं निकालती हूँ अपना तवा, और उसके बाद मैं निकालूँगी अपना जो है कि ये तवा बहुत मुश्किल से इधर होता है, और उसके बाद मैं निकालूँगी ये वाला बेलना, और उसके बाद मैं निकालना है ये डंडा और चिमटा। ये तो गाइस ये मैंने ना पराठा बनाया, इसमें ऑयल डाल के तेल लगा के इसको बेल के पराठा बनाया, और अब जो है ना मेरा तवा हो जाता है गरम, फिर मैं बनाऊंगी अपने पराठा, अपना पराठा अच्छा वाला। और ये मैंने इसमें ना आटा डालती हूँ, और अभी देखना ये मैंने डाल दिया है अपना पराठा। अब मैं ना इसको, ये आज ना मैंने इसके अंदर से ही ऑयल डाला है अच्छे से, और इसको नज़र लगा दिया आप लोगों ने, हैं नज़र लगा देते हैं आप लोग मेरे पराठे को नज़र लगा देते हैं। अब इसमें डालते हैं ऑयल, माशाल्लाह इतना 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 ऐसे कमाल, थोड़ा सा नीचे से भी पक जाएगा ना, राम राम से। पहले मुझे देखना है नीचे से भी पके ना, कैसा मेरा पराठा बनता है माशाल्लाह। वाह वाह प्यारी मरियम, वाह, यू आर बेस्ट कुक इन द वर्ल्ड, इन द सऊदीया, इन द अपने प्यारे वाला फैमिली। माशाल्लाह परांठा आप चेक करें, बस क्या कमाल का कड़ाकेदार परांठा मैं बनाती हूँ, माशाल्लाह। वाह आई वाह माशाल्लाह, आई वाह माशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, प्यारा वाला परांठा मेरा हो गया है रेडी, कमाल कमाल उन जमाल उन हसीन उन जमील उन हसीन हो गया है, जमील हो गया भाई, प्यारा हो गया। मैं तो दिन ब दिन माशाल्लाह अच्छी कुकिंग करती जा रही हूँ, ऐ तो जब मैं पाकिस्तान जाता तो मैं तो होटल खोल सकनी हूँ जब मैं पाकिस्तान जाऊँगी ना मैं होटल खोलूँगी, ठीक है। बिस्मिल्लाह, ये आ गया हमारा परांठा। नाश्ता करने से पहले ना मैं ये अपना इमली और आलू बुखारे का शरबत पी लेती हूँ, ये रात को मैंने इमली और आलू बुखारा भिगोया था, और अब इसका मैंने ऐसे ऐसे करके इसको शरबत बनाया,
और भी अच्छा शरबत कैसे बन सकता है आप लोगों को मुझे बताएं। इससे ना स्किन फ्रेश हो जाएगी मेरी। ये जो इमली और आलू बुखारा बच गया इसको मैं नहीं खाती हूँ अभी, बस अभी बस शरबत पी लिया। तो गाइस कल ये ना दाल लेके आई थी तो मैंने कहा इसको गर्म करके ना इसके साथ कर लिया जाए नाश्ता, और अभी ये दाल मेरी गर्म हो गया। अब मैं इसको चूल्हे को बंद कर देती हूँ। अब मैं दाल को ना इसमें डाल देती हूँ आराम आराम से। ये तो एक हाथ से काम करना इंतहाई मुश्किल काम है लोगों। ये बन गई है मेरी चाय, चूल्हे को मैंने कर लिया है बंद। वाह माशाल्लाह, चाय इज माई रेडी। तो ये है जी मेरा नाश्ता, पराठा, दाल, चाय, माशाल्लाह। पानी में रखना है, थोड़ी पानी भी साथ में रखती हूँ। अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ और आप लोग बताएं मैंने पराठा कैसा बनाती है, कमाल बनाती हूँ कि नहीं बनाती। सच्ची सच्ची बताना, मजाक के अलावा बताना, ठीक है? पराठा सही बनाती हूँ कि नहीं बनाती? तो वो मैंने अपने बर्तन धो लिए हैं और अब मैं करने लगी हूँ सफाई। और गाइस आप लोग कहते हैं व्लॉग ऐसे बनाओ, वैसे बनाओ, इस तरह बनाओ, उस तरह बनाओ। उन मैं अमेरिका तो जान तो रही, दुबई, कनाडा, अफगानिस्तान, फलां टमका, इधर तो मैं जाने से रही। अब जो मेरे डेली रूटीन के व्लॉग होंगे तो वही तो बनाऊंगी ना। अब मैं क्या करूं, आप लोग खुद बताएं ना, अब मैं क्या करूं, अब मैं किधर जाऊं, अब मैं सऊदीया से कनाडा, पाकिस्तान, दुबई, ये वो इधर उधर जाके आपको बस जगहें दिखाऊं, आपको मेरा काम ना दिखाऊं। मैंने कर ली है अपनी प्यारी वाली सफाई। अब मैंने चूल्हे के ऊपर क्या रखा है आप लोग गेस करें। अब मैंने चूल्हे के ऊपर रखा है ये क्या कहते होते हैं, पीली वाली दाल, चने की दाल। अब मैंने चने की दाल बॉयल करने की रखी है क्योंकि ना गलने में बहुत टाइम लगता है। अब इसका मैंने चूल्हा इतना सा रखा है तो अब जो है ना ये गल जाएगी। फिर उसके बाद मैं आज बनाऊंगी चने की दाल और चावल। भूल ही गई थी मैं क्या बनाने लगी हूँ। चूल्हा मैंने कर दिया है बंद और ये देखें आज मेरी दाल जो है ना माशाल्लाह। एक सेकंड में आपको कर कर खाती हूँ। गरम 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 गल गया माशाल्लाह। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने डाल दिया है ऑयल। ऑयल में डाला है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मैंने बाकी जो मसाले हैं ये देखें, ये मैंने मसाले सारे, मतलब मसाले नहीं सॉरी, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, ये मेरी है दाल। ये दाल में से जो बॉयल करते हुए पानी निकला था। और गाइस मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये है जी मिक्स मसाला, ये लाल मिर्च, ये नमक, ये है जी सूखा वो गर्म मसाला, और ये है काली मिर्च। ये मैंने सारे मसाले लिए हैं और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा लिया क्योंकि मैं ना हरी मिर्चें जो है ना वो मैं ज़्यादा डालूँगी। अपना प्यारा प्यारा मेहरून एंड रेड कलर का प्याज, ये प्याज का क्या कलर होता है, प्याज का प्याजी कलर होता है, इसको बोलते हैं पिंक कलर। पिंक कलर का प्याज हमने ऐड कर दिया है अदरक लहसुन के पेस्ट में। टमाटर को डाल के मैंने अच्छी तरह कर लिया है मिक्स। अब मैंने इसमें डाल देनी है हरी मिर्चें। मैं हरी मिर्चों में अब हंडी बनाने की कोशिश किया करूँगी कि लाल मिर्च मैं कम इस्तेमाल करूँ और हरी मिर्च ज़्यादा, इससे सेहत भी होती है और लाल मिर्च का नुकसान भी नहीं होता कैसा, और हंडी का जायका भी आएगा इंशाल्लाह। मैंने अपने डाल देने हैं ये लाल मिर्च थोड़ी थोड़ी सी, बिल्कुल मैंने ली थी, और बाकी मसाले जो चाहे आप मसाले ऐड कर सकते हैं आप हंडी में। लेकिन मैंने ना ये जो मसाले दूसरे होते हैं ना पैकेट पैकेट वाले, मतलब शान ये वो इस तरह उस तरह वो वाले मसाले मैं ऐड नहीं करता, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मसाला जो है मेरा अच्छे से पक गया। अब मैंने ना इसमें डाल देना पानी, ये पानी वो वाला जो दाल को बॉइल करते हुए लिया था। ये दाल तो बॉईल मैंने किया था ना तो मैंने पानी ना इसका निकाल लिया, पानी इसको मैंने गिराया नहीं, और यही वाला पानी मैं ना पूरी दाल में यूज़ करूँगी। अब इसको अच्छे से पका लेना मसाला सही भून जाए। दाल बॉईल की थी उसको मैंने डाल दिया है इसमें मसाले में। अब इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स और डाल देना है पानी अपने हिसाब से ज़रूरत। अगर आप चावलों के साथ खाना चाहते हैं तो आप कितना पानी डालते हैं ये आपको पता है बेहतर। तो अभी मैं इसको पहले फ्राई करती हूँ फिर इसके बाद ना मैं पानी डालूँगी, और पानी वही वाला जो दाल को बॉईल करते हुए मैंने यूज़ किया था। दाल जो है वो मेरी अच्छे से हो गई है मिक्स। अब मैंने इसमें डाल देना है पानी चावलों के लिए, हम चावलों के लिए बना रहे हैं ना ये। अब मैंने इसको फुल आँच में पकाना है क्योंकि मेरी दाल तो ऑलरेडी गली हुई है ना, इसलिए मैंने चूल्हे को कर देना है फुल तेज़, इतना चूल्हा। अब इसको बॉयल करना है
एक दो बस बुआरी लगेगी, थोड़ा सा पानी मिक्स होगा और फिर मैंने दाल को उतार लेना, क्योंकि दाल मेरी पकी हुई है और गल भी बहुत अच्छी गई है। वाह जी वाह प्यारी मरियम, क्या कमाल का टेस्ट आया है दाल का। ये देखें मेरी दाल चेक करें, माशाल्लाह, और ना बहुत अच्छी और इतना बस सालन। ठीक है अब हम चावलों की तैयारी करते हैं। मैं आप सबको एक बात बताऊँ, मेरा क्या दिल करता है, मेरा दिल करता है कि आप सबकी ना मैं दावत करूँ, आप सबके लिए मैं कुकिंग करूँ इतनी अच्छी, और जो मुझे देख रहे हैं ना वो दूर से ही देख रहे हैं, तो मैं उनको टेस्ट चेक करवाऊँ कि आप चेक करें कि कितना, मतलब मुझे खुद नहीं यकीन आता कि ये मैंने बनाई है। तो मेरा दिल करता है आप सबको मैं अपने घर पे दावत दूँ और फिर मैं आपके लिए कुकिंग करूँ, जो आप कहें, दाल चावल बनाऊँ या फिर बिरयानी बनाऊँ या फिर कौरमा बनाऊँ या जो आप कहें मैं आपके लिए वो बनाऊँ। मेरा दिल करता है सच्ची में, मैं कहती हूँ खाएँ और मेरी फिर बताएँ कि कैसा बना, क्योंकि बस शोहर जी बताते हैं ना, तो आप खाएँ तो आपको कैसा मज़ा आए ये आप बताएँ। मेरी दाल हो गई है तैयार और मैंने आज इसके ऊपर जो है ना हरा धनिया भी डाला है। अच्छा आप लोग बताएं कैसी है, और मैं इसको आप बंद कर देती हूँ। और मैं आपसे एक बात शेयर पूछनी थी गाइस, ये मेरा जो हरा धनिया है ना ये सूख जाता है, इसका मैं क्या करूँ, मतलब कि हरा धनिया को सेव करने का क्या तरीका हो सकता है। जब मैं अगली अंडी में बनाने लगती हूँ ना तो ये ऐसे हो जाता है। अब मैंने इसको सबको धोया है, अब मैं इसका क्या करूँ। चावलों के लिए रख दिया है पानी, इसमें मैंने डाला है ज़ीरा, थोड़ा सा ऑयल और नमक, और वो जो गरम मसाला मोटा वाला होता है ना वो। गाइस अभी पता क्या हुआ, अभी ना सिलेंडर से इस तरह थोड़ी सी आवाज़ आई, मैंने पता क्या किया, फ़ौरन दरवाजे को खोल दिया। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, सिलेंडर वैसे माशाल्लाह बहुत ठीक है, आप लोग दुआ किया करें। जो है मैंने चावल थोड़े से भिगो के रखे हुए थे, अब मैंने इसको डाल देना है इस पानी में। क्या जब मेरा निकाह हुआ ना तो फिर ना मैं इनसे वीडियो कॉल पे बात करती होती थी ना, तो फिर उन दिनों में ना ये गाना आया हुआ था, सुन गया परदेस कटेंदा सजना नू दूरू दूरू वेंदा, साड़ी ते सारी सुनदा है पर अपनी पीर नहीं सुनेंदा। मैं ये वाला गाना सुनूंगा। मैंने इस पे वीडियो बनाई ना, ये कहते हैं इस पे क्यों वीडियो बनाई है, ये गाना नहीं करना। मैंने कहा ओके, कहते हैं इस तरह की बातें नहीं करते। आज वैसे ही ना मैंने ये गाना मेरे सामने आया ना, मैंने कहा सोना गया परदेस कटेंदा नाल नाल सोनी भी परदेस कटेंदी। इन्होंने कहा सोना क्यों परदेस कटेंदा सोनी भी परदेस कटेंदी। माशाल्लाह गाइस ये देखें, ये वो वाले चावल हैं जो आप लोगों ने मुझे बताए थे ना, वो पाकिस्तान प्राइड या पता नहीं क्या इस तरह के, वो हम लेके आए। और ये देखें चावल के ऐसे ज़बरदस्त खिला खिला दाना बनता है और अलग अलग और जुड़ता भी नहीं है, और बड़ा बड़ा कैसे ये ज़बरदस्त लगता है ना माशाल्लाह। गाइस पता क्या, मैं ना चावलों को पकाना सीख गई हूँ। मैंने याद आया कि जब मैं शुरू से चावल बनाए, सारे लोग ऐसे चावल ऐसे बनते हैं। मैं क्या, मुझे क्यों किसी ने ये कहा मैं चावल बनाना सीखूंगी। चावल आज देखें माशाल्लाह इतने अच्छे चावल बनाते हैं, नज़र ना लगे। आज मुझे इतने अच्छे चावल बनाने आ गए, मुझे तरीका आ गया। पता क्या, चावलों को जब उबॉइल करो ना, जब चावल को बॉयल करते हैं ना, उबालते हैं ना मतलब के, तो फिर आप चूल्हे को ना सही फुल तेज़ कर दो। जब चूल्हे को फुल तेज़ करोगे ना ऐसे चावल फिर ना सही बनते हैं। और जब फिर दम देने लगो फिर ना चावल जब थोड़े थोड़े पक जाएंगे ऐसे कि पक गए ना, अब आपने क्या करना है, अब आपने तवा नीचे रख देना ना, फिर थोड़ा सा और दम देने देना, फिर ज़बरदस्त चावल बनते हैं। अब मुझे तरीका आ गया माशाल्लाह। मुझे लगता है ना मेरे पे एक लाइन बनी है, वो लाइन पता क्या है, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। प्रैक्टिस कर करके ही बंदा परफेक्ट बनता है, और मैंने इतनी प्रैक्टिस की है चावलों पे माशाल्लाह, तो अब तो सीख ही गई हूँ। अब बस पकने लगे, अब बस इनका पानी निचोड़ना है। मैंने ये जो प्यारे प्यारे और खिले खिले और अलग अलग आप चावल देख रहे हैं ना, यही वाले ये जो अलग अलग नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल यही अलग अलग जो है सीन चावल, ये देखें बड़े बड़े और प्यारे प्यारे माशाल्लाह वाइट कलर वाले, ये मैंने बनाए हैं प्यारी मरियम ने, जुड़ते भी नहीं है। शुरू से मैं चावल बनाए, अद्धे थल्ले लग गए, देखची थे इतनी तय जो है ना देखची के साथ लगी, जुड़ गए चावल। अब मुझे बनाने आ गया ना माशाल्लाह, सीखो तो क्या नहीं हो सकता, इतने वाइट वाले प्यारे वाले चावल आप भी बना सकते हैं, नज़र ना लग जाए। आवाज आ रही है मेरे सोने, इतना दिन हो गए खोल भी नहीं, सुन गया परदेस कटेंदा। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मैं इनको ना एक बात शेयर की, आपने तो व्लॉग में ना देखा, मैंने इनको यही वाली बात शेयर की है, वो सोना जब ये वाला गाना आया था तो आपने मुझे क्या कहा था। और सुनाएं गाइस आप लोग सब कैसे हैं, ठीक हैं, तबीयत कैसी है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब
ठीक होंगे। सबसे पहले आप ये बात बताएं ना कि आपने कल मूड आपका ठीक था? आपने वीडियो जो है सोए हुए थे कि क्या था, आपने क्यों ऐसी वीडियो बनाई थी? गाइस कल इसने मेरे साथ क्या किया वीडियो के अंदर, मैं सोया हूँ, उठे ना, माशा अल्लाह माशा अल्लाह। इस बार देखे दाल गल गया ना, पिछली बार दाल थोड़ी थोड़ी इस तरह रह गई थी ना। हाँ वीडियो बनाओ, मैं खा के फिनिश करके दिखाता हूँ ना गाइस। माशाल्लाह। तो प्यारे वाले गाइस, मेरा ब्लॉग यहीं से शुरू हुआ था, मेरा ब्लॉग यहीं पे खत्म होता है। तो आज मैंने बनाई थी दाल चावल, आप लोगों ने कमेंट किया था ना कि दाल चावल बनाओ, इसलिए मैंने दाल चावल बनाई। आप लोग बताएं आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, कुकिंग का ब्लॉग अच्छा लगता है कि नहीं लगता, या फिर और ब्लॉग में मैं क्या चेंजिंग करूँ। अनकरीब हम लोग जो है ना शिफ्ट होने लगे हैं घर में, तो फिर आपको हम अपना नया वाला घर भी दिखाएंगे, ठीक है? तब तक हमें रखे दुआओं में याद, मुझे और मेरे प्यारे शोहर को भी। मैं कहती हूँ कि आपकी एक प्यारी वाली दुआ भी कबूल हो, अल्लाह ताला करे आपकी एक प्यारी वाली दुआ भी कबूल हो, जो आप लोग बहुत देर से दुआ मांग रहे हैं और कबूल नहीं हो रही ना, अल्लाह ताला किसी की आमीन के सदके में आपकी एक दुआ भी कबूल करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।